मैं आपको अभी सामान जो पेंटिंग का CMS पैकेज होता है उसके अंदर कैसे फिटिंग किया जाता है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने जो डिमांड बनाया है वो डिमांड होता है ग्रोसरी का है, तो ग्रोसरी बल्क में लिपर का है तो लिपर बल्क में ग्रोसरी बल्क क्लिक किया। इसके बाद हमने डिमांड को क्लिक किया, डिमांड करने के बाद क्रिएट एडिट क्लिक किया। क्रिएट एडिट क्लिक करने के बाद हमारे पास जो डिमांड बनाया हुआ है वो आ जाएगा। उसको क्लिक करके हमने ABC क्लिक करना। ABC क्लिक करने के बाद अगर हमारे पास जो डिमांड हमने किया हुआ वो सेम है, सेम हमारे को मिला हुआ है, तो हमने इसको फाइनलाइज कर देना। फाइनलाइज करने के बाद हम जैसे बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद हम कैंटीन मैनेजर में जाएंगे। कैंटीन मैनेजर से हम इनवाइस उठाएंगे। इनवाइस ग्रोसरी है तो ग्रोसरी क्लिक किया। उसके बाद आज अगर हमने फिटिंग किया तो आज की डेट में हमारे को वाउचर मिल जाएगा। जैसे हम पहले की डेटों में कोई वाउचर निकाल रहे हैं, इसको क्लिक करके हम सर्च कर रहे हैं, ये हमारे पास वाउचर आ गए। ऐसे इसको सिलेक्ट किया, हम जाएंगे ABC किया। यहाँ पर ओपनिंग बोर्ड नंबर है, इसका भी डैश लाइन दो, कितनी तारीख का जो हमारा कलेक्शन के टाइम में वाउचर होता है उसके ऊपर नंबर होता है, वो नंबर को डायल करना है उसके अंदर। उसके बाद जैसे हम एंटर मारेंगे तो फर्स्ट स्टेप से आपका सामान आ जाएगा। क्या ये आइटम, जैसे देखो आइटम इन कैश पैक, साठ का कैश पैक है। क्वांटिटी कितनी है हमारी, एक टोटल कितने पीस हैं हमारे पास, 60। तो हम ये पर में 60 ही पीस डालेंगे, क्योंकि 60 का अमाउंट अब यहाँ पर डाले एक साथ। जैसे 60 का अमाउंट डाल दिया, उसके बाद हमारा यहाँ पर जो लास्ट में है ये जो ये रेट है, ये तो डिपो का रेट है, ये हमारे प्रॉफिट को मिला करके 60 हो गया। इसके बाद जैसे पूरा लास्ट तक हम करेंगे तो हमारा जो ये अमाउंट नीचे शो कर रहा है ना, ये अमाउंट हमारे वाउचर से मेल खाना चाहिए। इसके बाद हम इसको सेव करके रखेंगे। सेव करने के बाद हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम वापस ग्रोसरी बल्क में जाएंगे। ग्रोसरी बल्क से इशू टू मिनी बल्क, इसके बाद ऑटोमेटिक ड्राफ्ट को क्लिक किया तो यहाँ पर वो वाउचर आ जाएगा। तो इसको नीचे क्लिक करना, उसके बाद क्रिएट ऑटोमेटिक ड्राफ्ट बैक टू होम, सेम प्रोसीजर, इशू टू मिनी बल्क, इशू वाउचर। इसके बाद नीचे यहाँ पर ग्रुप मांगेगा, ग्रुप कौन सा ग्रुप, फर्स्ट सेकंड जो भी है इसको क्लिक करना। क्लिक करोगे तो आपका डाटा आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज जैसे करोगे तो आपका आइटम मिनी बल्क में चला गया। मिनी बल्क यानी आपका स्टॉक के अंदर वो मैच हो गया। ऐसे करके ग्रोसरी और लिक्विड दोनों का डाल देना है।